सभी से एक बार विदेशी सभा में आए हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा भाई मुंबई खाली आता है, कुछ नहीं था उसके पास। आज वो यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहा है, आप सबका प्यार लेके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, बहुत कुछ दे के भी जा रहा है। कहते हैं कि कोई अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा। हमारा भाई हमारे साथ बहुत प्यार लेके गया, आप लोगों का सभी का दिल से लेके गया। बहुत जज्बा था उसमें, कभी नेगेटिव बात नहीं करता था, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, फ्यूचर की प्लानिंग करता रहता था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब होते थे उसके पास, कभी नेगेटिव नहीं होता। पिछले 1.5 महीने से बहुत पॉजिटिव था। तो भाई मेरी सब चीज़ कंट्रोल में है, अब मैं सब पूरा मैनेज दूँ। एक्सरसाइज करता था, क्रिकेट खेलता था, के हेल्थ टेस्ट बड़े अच्छे आए थे, बहुत कॉन्फिडेंट था। फिर आगे चल के भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। जब तक ये मेरे साथ चल रहे थे, जब मैं चल रहा हूँ, बाकी और भी बहुत चीज़ें सोचता रहता था। सभी के लिए हेल्पफुल था, किसी को कभी ना नहीं बोलता था, हमेशा डांस करता रहता था, गाने गाता रहता था। गाने गाने का बहुत शौक, हर सिचुएशन पर कोई ना कोई गाना सुना रहता था। एक गाना हमेशा गाता था, खूबसूरत बात ये, चार पल का साथ ये, सारी उम्र मुझको रहेगा यार, एक अजनबी हंसी हंसी मुलाकात से। जब भी कुछ होता था यही गाना गाता, चला गया भाई हमारा। आप लोगों की सरदार लेकिन जब मेरी बातचीत स्टार्ट हुई, उसने मुझे जो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सो बहुत बार मैं उसके साथ वॉक लेता था यहाँ पे। उसकी बातों से लगता था कि काफ़ी एम्बिशियस था, उसे बहुत कुछ करना था, बहुत छोटी सी एज थी उसकी, काफ़ी मैच्योर एट दिस एज आई मस्ट से। कि शायद उसने जो मुझे ये भी याद है कि बहुत ही छोटे टाइम पहले ही उसने शादी किया था, उसका बेटा हुआ था, उसने हमें काफ़ी चीज़ों में हमें उसने सारी बातें कही थी। उन चीज़ों को जब वो बातें करता था, इतना आनंदित रहता था, इतना उत्साहित रहता था। वो जब भी कोई भी बात करता था, उसके मुंह से हर बार अच्छी और ऐसी बातें होती थी जो अगले को भी खुश करे और हमें भी खुश, मतलब वो भी खुश रहता था। मैंने ये देखा था कि लास्ट 6 महीने में ही उसने 6 से 8 साल में शायद उसकी वाइफ भी नॉर्थ इंडिया से थी, तो वो मिंगल होना चाहता था ये सोसाइटी में, सबके साथ रिलेशन रखना चाहता था। लास्ट 6-8 महीने मैंने ऑब्जर्व किया था कि वो हरेक के साथ मिल के बात करता था, वो किसी को भी छोड़ता नहीं था और वो इतने दिल से संबंध रखता था सबके साथ। तो मेरे को ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये उसका काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। और मैं देखो, मैं उनको मेरी और सबकी श्रद्धांजलि, उनकी फैमिली को, वो बहुत ही अच्छी प्योर एंड प्योरेस्ट सॉल थी,
और मुझे भी लगता था कि उसका बहुत अच्छा यहाँ पे फॉर्चून था, बट वाओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं रे मनुष्य जन्म अनमोल।